हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में होने वाली इंडियन आर्मी की भर्ती के बारे में। ये भर्ती है ARO शिमला की, जिसमें शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर की जो है ये भर्ती कंडक्ट की जाएगी। तो इस भर्ती की सारी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज़ चैनल पर अपलोड होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और बेल आइकन भी सब्सक्राइब बटन के साथ जो होती है उसको भी प्रेस करते हैं, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अब बात करते हैं इस भर्ती की। तो ये भर्ती है ARO शिमला हिमाचल प्रदेश की भर्ती। इसमें आप भर सकते हैं सोल्जर टेक्निकल ट्रेड के लिए। भर्ती यहाँ पे होगी, जो वेन्यू रहेगा इस भर्ती का वो रहेगा पड्डल ग्राउंड मंडी हिमाचल प्रदेश। तो यानी कि आपकी ये भर्ती कंडक्ट हो की जाएगी पड्डल ग्राउंड मंडी हिमाचल प्रदेश में। 6 अक्टूबर 2020 से भर्ती शुरू होगी और चलेगी 14 अक्टूबर 2020 तक। अब इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो हैं हिस्सा लेंगी, तो इसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं अगर आप शिमला से हैं, सिरमौर से हैं, सोलन से हैं और किन्नौर से हैं। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। भर्ती होगी सोल्जर टेक्निकल ट्रेड के लिए, और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 7 अगस्त 2020 से, और लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 20 सितम्बर 2020। जो आपको एडमिट कार्ड भेजे जाएंगे वो भेजे जाएंगे 20 सितंबर 2020 के बाद। अब बात करते हैं कौन कौन से ट्रेड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करेंगे सोल्जर टेक्निकल के लिए। इसके लिए 17.5 से 23 साल एज, यानी कि 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में, 163 आपकी हाइट, 48 kg वेट, 77 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। यही पैरामीटर रहेंगे आपके टेक्निकल एमिनेशन एग्जामिनर के लिए। सेम पैरामीटर रहेंगे आपके एविएशन एक्स ग्रुप के लिए, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। तो सभी के लिए सेम पैरामीटर रहेंगे इस टेक्निकल ट्रेड के। बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, तो आप 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश के साथ। टोटल परसेंटेज 50 और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स जो हैं आपके होने चाहिए। टेक्निकल के लिए एमिनेशन एग्ज़ामिनर के लिए जो टेक्निकल एविएशन एक्स ग्रुप है, इसके लिए भी सेम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन रहेगी। जो नर्सिंग असिस्टेंट है, इसके लिए आप 10+2 पास होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश में। टोटल परसेंटेज 50 और हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स जो हैं इसमें होने चाहिए। तो ये थी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस भर्ती के लिए। और इसमें एक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी ये भी है, जिसने भी पहले जो इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी ARO शिमला की, जिसमें GD की भर्ती क्लर्क की और टेक्निकल की बताई गई थी, अगर आपने उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा हुआ है, यानी कि टेक्निकल के लिए उस नोटिफिकेशन के बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, तो आपको ये फॉर्म जो है टेक्निकल के लिए दोबारा से भरना पड़ेगा। तो अगर आप टेक्निकल का फॉर्म पहले भर चुके हैं, जो ARO शिमला की पहले की नोटिफिकेशन थी, तो आपको इसके लिए, ये जो नई नोटिफिकेशन आई है, इसके लिए दोबारा से सोल्जर टेक्निकल के लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है नए सिरे से भरना होगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जब आपकी भर्ती होगी, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लाने होंगे उनकी बात करते हैं। तो आपको लेके आना है आपका एडमिट कार्ड, अपने फोटोग्राफ की 20 कॉपीज़, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, डोगरा क्लास एंड कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर, कैरेक्टर, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रिलेशन कैंडिडेट्स के लिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, NCC वालों के लिए NCC, स्पोर्ट्स वालों के लिए स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, एफिडेविट जो कि हर कैंडिडेट को लाना कंपलसरी है, 10 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे, सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आपको साथ में लेके आनी है। और अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप इनके जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर हैं, इन पर कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। 2 नंबर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये जानकारी आप ले सकते हैं। वेबसाइट है इनकी joinindianarmy.nic.in, इस पर आपको जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है दोबारा से इस टेक्निकल की भर्ती के लिए भरना होगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की वीडियोस आगे भी देखते रहें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस में।